केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न कैटेगरी के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने का प्रपोजल रखा है। इस वजह से 1 अप्रैल से संभावित तौर पर कार और दोपहिया वाहनों की इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। मिनिस्ट्री की ओर से प्रस्तावित रिवाइज्ड रेट के अनुसार 1000 सीसी की प्राइवेट कार के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का रेट 2094 रुपये होगा। 2019-20 में यह रेट 2072 रुपये था। इसी तरह 1000 सीसी से 1500 सीसी की प्राइवेट कार की रेट 3221 रुपये से बढ़कर 3416 रुपये हो जाएगा। 1500 सीसी से ज़्यादा की कार के लिए ये रेट 7890 रुपये से बढ़कर 7897 रुपये हो जाएगा। वहीं 150 सीसी से 350 सीसी के बीच बाइक के लिए प्रीमियम 1366 रुपये होगा। 350 सीसी से ज़्यादा की बाइक के लिए प्रीमियम 2804 रुपये होगा। कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम में इजाफा नहीं हुआ था। प्रीमियम में ये प्रस्तावित बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। पहले इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रेट नोटिफाई करता था। पहली बार परिवहन मंत्रालय इंश्योरेंस रेगुलेटर के साथ विचार विमर्श के बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रेट को नोटिफाई करेगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट कार, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर, सामान की ढुलाई करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल व्हीकल और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पर 15% का डिस्काउंट का प्रस्ताव भी है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के रेट पर 7.5% के डिस्काउंट का प्रस्ताव है। यह पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाला है, तो वहीं कार और बाइक चलाने वाले लोगों के लिए ये सरकार की तरफ से महंगाई की एक और बोझ है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।